gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't care, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. So once again, good morning and welcome back to the channel. अभी हम लोग हैं गोवर्धन में. सुबह आपने देखा हम लोग मथुरा से निकले और मथुरा से हमने डायरेक्ट बस ली. बस लेके हम लोग यहाँ पे गोवर्धन में पहुँचे और गोवर्धन में यहाँ पे श्री गुरुधरी गौड़िया मठ करके यहाँ पे हमने अपना स्टे बुक किया. यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, सारी चीज़ें पैक है, बट यहाँ पे हमको लकीली एक अच्छा स्टे मिल गया. रूम इज़ लाइक चार्जिंग 700 फॉर 4 पर्सन और अच्छा, मतलब ठीक रूम है. 2 बेड्स है और 2 गद्दे वो लोग देने वाले हैं. और ये मंदिर के आसपास का परिसर है और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का अच्छा पूरा मंदिर है और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. राधे भैया गोवर्धन में बैठ गए. गोवर्धन में हम लोग बैठ गए ऑटो में. यहाँ पे ये वही जुगाड़ सही चल रहा है अंकल? अंकल सही चल रहा है अंकल? तो यहाँ से अभी अपन जा रहे वृंदावन, जो कि है कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर पूरा वृंदावन एक्सप्लोर करने वाले. पहले बाकी बिहारी जाएंगे और इस्कॉन केसी घाट जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं. चलते हैं यहाँ से पहले. ये बहुत एडवेंचर जर्नी होने वाला है अभी 20 किलोमीटर का, जहाँ पे हम लोग को बिठा है चार बकिया बचिया. भाई कितने लोग को बैठा है? सच बता 14 जन एक सवार ऊपर. नहीं ऊपर चला, हम लोग ऊपर बिठा दो. तो राधे राधे भैया जी, हम लोग आ गए हैं वृंदावन में. जस्ट हमको हमारे सवारी ने उतारा, रिक्शे वाले ने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुँच गए. यहाँ से थोड़ा 650 मीटर स्ट्रेट जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर आएगा और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बाकी बिहारी जी का टेम्पल है. इस्कॉन मंदिर तो हमको शाम को आना था, पर जहाँ पे हमको रिक्शे वाले ने उतारा है वहाँ से प्रेम मंदिर बगल में ही इधर लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हम लोग सोच रहे कि अभी भी दर्शन कर ले और फिर शाम में जब अच्छी सी लाइटिंग होगी तभी भी दर्शन कर ले. तो चलते हैं प्रेम मंदिर और आपको भी यहाँ के दर्शन कराते हैं. राधे भैया जी, अभी हम थे प्रेम मंदिर में, हमें यहाँ से हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल में. उसका डिस्टेंस है यहाँ से 3 किलोमीटर और उसके लिए अपन ने कर लिया हायर बैटरी रिक्शा. अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ, अपने सारे दोस्त लोग दूसरे रिक्शा में बैठ गए और यहाँ के सारे रास्ते वन वे कर रखे हैं होली की वजह से. जगह जगह पे पुलिस वाले अनाउंसमेंट हो रहे और बहुत सारे रास्ते वन वे कर दिए, तो अभी बैटरी रिक्शा अंदर अंदर चल रही है और थोड़ा घुमा के लेके जा रहे हैं, बट चल रही है. हम लोग हैं अभी बांके बिहारी टेम्पल के बाहर और किन्नू खरीद रहा है गमछा. आया अच्छा लगेगा, ले ले यही वाला कलर में, देखो तभी लेने बोला तो बता, लड़की लोग का कलर है. अच्छा लग रहा है किन्नू, तू कौन सा ले रहा है? वाइट मत ले. अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. हाँ अच्छा लग रहा है. तू कौन सा कलर का ले रहा है?
अरे यार इधर भी इसको ब्लैक चाहिए, टी शर्ट है क्या वो? ब्लू, हाँ सही लग रहा है, वो भी ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। हाँ कितने का? कितने का? 100 रुपये कोई भी लो, मतलब कोई भी 100 रुपये कितना भी लो भाई, चल के निकलना भी मुश्किल है। हर जगह से पुलिस वालों ने रोक रखा है, तो ये जो बीच का किलोमीटर है उधर पे चल रहा है बैटरी रिक्शा। और भाई लोग हाउ यू आर फीलिंग नाउ? तो भाई इधर बंदरों से बहुत बच के रहना पड़ता है, ये लोग चश्मा मोबाइल जो भी आपने कैप वगैरह पहना ना लेके चल देते हैं। भाई इधर मैं बंदर की डिटेल दे रहा हूँ, तुम लोगों को पेड़ा लस्सी दिख रहा है, आते समय पीते। इधर की पेड़ा लस्सी बहुत ज़्यादा मशहूर है, हाँ। अपन जब नीचे की तरफ आएंगे दर्शन करने के बाद तो पियेंगे पेड़ा लस्सी। एंट्री के दोनों साइड पे ऐसा बहुत सारा शॉप्स बना हुआ है, छोटा छोटा प्रसाद का या फोटो फ्रेम का। तो भैया राधे राधे। हम लोग सबसे पहले गए थे बाकी भी टेम्पल भाई, इतनी धूप है ना, सुबह तो ठंडी लग रही थी, अब इतनी जर कड़क वाली धूप लग रही थी, गमछा लेके चलना पड़ रहा है। सब लोगों को देख रहे हो कैसे? तो अपडेट ये है कि हम लोग गए थे बांके बिहारी टेम्पल, अंदर बहुत अच्छे वाले दर्शन किए और कम से कम हम लोग आधा एक घंटा मंदिर के अंदर थे। यहाँ पे पहुँचने के टाइम तो बहुत भीड़ था और अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर शाम को 5 बजे तक सारे मंदिर बंद रहते हैं। तो अपने को अभी करना है थोड़ा सा इंतज़ार और रेस्ट, कि आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं शाम को 5 बजे। They tell me that I'm never gonna make it. They want